आज हम बनाएंगे सिंपल टेस्टी और स्पाइसी केरला चिकन करी। इसे रोटी, नान, अप्पम, घी राइस या प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। वेलकम टू फन फ्रेम्स। आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं केरला चिकन करी। केरला चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो चिकन छोटे टुकड़ों में कट करके धोकर रखा है। चलिए चिकन करी बनाते हैं। मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गर्म करने के लिए रखा है। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून नारियल का तेल। मैंने यहाँ नारियल का तेल यूज़ किया है, आप कोई और कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई तड़क जाए तो इसमें डालेंगे 1 कप शैलेट से छोटी प्याज छोटे टुकड़ों में कटी हुई। इसके साथ 1 मीडियम साइज प्याज भी डालेंगे लंबाई में कटी हुई। 3 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई। 8 से 10 करी लीव्स। और इसके साथ डालेंगे 1/2 कप नारियल बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। यहाँ मैंने 1/2 नारियल लिया है, उसके ऊपर का ब्राउन स्किन निकालकर मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। अब इसे ब्राउन होने तक सॉटे कर लेंगे। प्याज और नारियल हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी सॉटे कर लेते हैं ताकि प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल और शैलट्स इस करी को बढ़िया सा स्वाद देता है। इसे कुछ देर और सॉटे कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर। इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब इन सूखे मसालों को प्याज और नारियल के साथ अच्छे से भून लेते हैं। जब तक मसालों की कच्ची खुशबू ना निकल जाए इसे धीमी आंच पर भून लेना है। मसाला अच्छे से भून गया है और इसकी बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। इसके साथ डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और धीमी आंच पर टमाटर गलने तक ढक्कन लगाकर पका लेंगे। करीब 5 मिनट ढक्कन लगाकर मैंने इसे पकाया है। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें चिकन पीसेस ऐड करेंगे। और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन और मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे करीब 10 मिनट ढक्कन लगाकर पकने देंगे। यहाँ मैंने इसमें पानी डाला नहीं है, चिकन से जो पानी उतरेगा उसी में इसे पहले पकाएंगे। ग्रेवी के लिए बाद में उबला हुआ पानी इसमें ऐड करेंगे, अभी तो इसे 10 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं।
चिकन थोड़ा पक गया है और इसमें से पानी भी निकला है। ग्रेवी के लिए अब हम इसमें 2 ग्लास उबला हुआ पानी डालेंगे। आप अपने पसंद अनुसार ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गर्म पानी डालकर कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर चिकन को पका लेंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं। चलिए अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून पेपर पाउडर। पेपर पाउडर डालने से पहले एक बार ग्रेवी का तीखापन चेक कर लीजिए, उसके बाद इसकी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। केरला चिकन करी स्पाइसी होती है, इसलिए मैंने पेपर पाउडर थोड़ा ज्यादा डाला है। अब इसे मिक्स करके चिकन को कुछ देर और पकने देंगे। बीच में एक या दो बार इसे मिक्स कर लेंगे। केरला चिकन करी तैयार है। अब हम इसमें 7 से 8 करी लीव्स डालेंगे और गैस ऑफ करके इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट तक इसे ठंडा होने देंगे ताकि मसाला चिकन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाए। स्पाइसी केरला चिकन करी तैयार है। आप इसे रोटी, नान, अप्पम या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी ये स्पाइसी चिकन करी घर पे बनाकर देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।